नमस्ते, दिस इज गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टू चिलिंग एकेडमी. यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के क्लासेस कंडक्ट होते हैं. आप ये क्लासेस ऑनलाइन भी सीख सकते हैं. न्यूमरोलॉजी में से आप डे टू डे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कौन से टाइम पर आपको कौन सा काम करना है वो भी आप नंबर्स से फाइंड कर सकते हैं. इसका आप पर्सनल यूज भी कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी का, और आप आपके पर्सनल लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं. किसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, किसके साथ अच्छा नहीं रहेगा, ये भी नंबर्स हमको बताते हैं. ये वीडियो बन रहा है नंबर 9 लोगों के लिए. अगर आपका मूलांक 9 है, आपका डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है, तो आपका फरवरी 2020 कैसे जाएगा. यहाँ पर कार्ड आया है कि जो 9 नंबर के लोग हैं वो जितना ट्रैवल करेंगे उतना उनका एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, और वो अपनी मेहनत से बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करके. करियर के लिए है कि आप लाइट वर्कर है. नंबर 9 के जो लोग हैं दूसरों को हेल्प बहुत करते हैं, तो इसीलिए आप लोग आपको गिराने की कोशिश बहुत करेंगे आपके ऑफिस में, लेकिन आपके अच्छे कर्मों की वजह से, आपके स्पिरिचुअलिटी की वजह से वो सक्सेस नहीं जाएंगे और आप आपकी पोजीशन पर बरकरार रहेंगे. फाइनेंस के लिए कार्ड आया है कि आपके विश फुलफिल होने वाले हैं. फरवरी 2020 में जो अमाउंट आप जहां से चाहते हैं आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते हैं. आपके पास जब भी पैसे आते हैं आप आपके लव्ड वंस के लिए खर्च करते हैं. आपके पैसों का नुकसान तभी होता है जब आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं. तो फरवरी 2020 ऐसा कुछ नहीं होगा और आपका सब डील्स अच्छे से कम्प्लीट होंगे, सक्सेसफुल जाएंगे और पैसे आपके पास आएंगे. रिलेशनशिप के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप प्रैक्टिकली स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं. आप अनमैरिड हैं तो प्रैक्टिकली मीनिंग आप मे बी प्रोफाइल्स देख रहे होंगे मैट्रिमोनी साइट्स पर आप मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं. एक्शन इज मिसिंग. और अगर आप मैरिड हैं, अच्छा रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, तो आप बहुत कुछ एफर्ट्स उठा सकते हैं. पार्टनर के साथ बाहर जाना, पार्टनर के साथ डिनर्स करना, सिनेमा जाना, पर वो आप एफर्ट्स नहीं उठा रहे हैं. आपके हेल्थ के लिए कार्ड आया है कि अगर आप इमोशनली खुद को खुश रखते हैं, आप ऐसे कोई हॉबी में अपने आप को ऑक्यूपाई रखिए जहां पर आपको बहुत इमोशनल हैप्पीनेस मिलती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, तो वहां पर आप जितना बिजी रहेंगे, जितना आप इमोशनली खुश रहेंगे उतना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा. मदर की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, मदर की हेल्प कर सकते हैं, वो भी मदर को हेल्प करने से भी, माता जी की हेल्प करने से भी आपकी जो हेल्थ है वो बेटर हो सकती है. आध्यात्मिक के लिए आपके लिए नेगेटिव कार्ड आया है कि कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे, हेल्थ का कुछ इश्यू आएगा या फिर कुछ ऐसे टाइट शेड्यूल हो जाएगा आपका कि आपको पूजा पाठ करने के लिए, मंदिर जाने के लिए या कोई रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए, या जो भी आपका एक नॉर्मल रूटीन है, चैरिटी, मंत्र, ये सब, उनके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा. तो आपको वेट करना है नेक्स्ट मंथ के लिए. फरवरी मंथ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए. आपकी बेस्ट जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस होती है नंबर 9 वालों के लिए वो यही है कि आप दूसरों को हेल्प करते रहते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करते रहते हैं. तो ये भी एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक काम है और उससे भी आपका आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है. थैंक यू.